नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव प्रचार तेज। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान शुरू। सुनील अरोड़ा नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। बांग्लादेश में 2016 के ढाका कैफे पर आतंकी हमले के मामले की सुनवाई शुरू। भुवनेश्वर में आज शाम पुरुष हॉकी विश्व कप का उद्घाटन। और आईसीसी 2020 क्रिकेट रैंकिंग में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव पहली बार शीर्ष पांच गेंदबाजों में शामिल। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। दोनों राज्यों में एक ही चरण में कल मतदान होगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए अब घर घर जाकर प्रचार करेंगे। भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी तथा जाति आधारित कोटा प्रणाली का विरोध करने वाले एक नए संगठन ने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कुल 65,367 मतदान केंद्रों पर 3,782 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें 3,046 मतदान केंद्र महिला कर्मियों द्वारा तथा 160 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए 12,000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी की व्यवस्था भी की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मिजोरम में भी विधानसभा की 40 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। राज्य में कांग्रेस, भाजपा, मिजो नेशनल फ्रंट और जोराम पीपल्स मूवमेंट के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है। एक रिपोर्ट। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री कुंद्रा ने बताया कि 1,179 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 15 बूथ विशेष हैं। त्रिपुरा राहत कैंप में रह रहे 12,000 ब्रू मतदाताओं के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं। 32 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। केंद्रीय बल की 40 कंपनियां और राज्य पुलिस की करीब 42 कंपनियां मतदान के दिन तैनात रहेंगे। राज्य पुलिस ने मीडिया को बताया कि चुनाव केंद्रों को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी कर ली गई है। आइजोल से इरेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। तेलंगाना और राजस्थान में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है, क्योंकि प्रचार के करीब 10 दिन ही शेष रह गए हैं। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए और राजस्थान की 200 सीटों के लिए एक ही चरण में 7 दिसंबर को मतदान होगा। भाजपा तेलंगाना में 118 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महबूबनगर जिले में जड़चेरला में पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र नामंजूर कर दिया गया था। एक रिपोर्ट। तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रचार में उपस्थिति ने काफी उत्साह पैदा कर दिया है। दो दिन पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने तेलंगाना में 4 जगहों पर चुनाव प्रचार किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज निजामाबाद और महबूबनगर में चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री इन दोनों जिलों में चुनाव लड़ रहे भाजपा के करीब 10 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा के शीर्ष नेताओं का ध्यान ज्यादातर उन जगहों पर है जहां पार्टी 2014 के चुनाव में बहुत कम अंतर से हारी थी। इस बीच पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए कई केंद्रीय मंत्री तेलंगाना में हैं। हैदराबाद से सुरेश और लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिव सचिन पायलट के भी दर्जनों सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निर्वाचन विभाग के अनुसार प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की कुल 1,211 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से रिटर्निंग ऑफिसर ने 723 शिकायतों को सही पाया और उसका तय समय सीमा में निस्तारण कर दिया। वहीं 339 शिकायतें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दी गई, जबकि 17 शिकायतें निर्णय के लिए लंबित है। शेष 132 शिकायतें जिला नियंत्रण कक्ष की टीम ने खारिज कर दी। सबसे ज्यादा 273 शिकायतें भरतपुर जिले से प्राप्त हुई है। जितेंद्र, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों के चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। वोट दोपहर 2 बजे तक डाले जाएंगे।
सरपंच की 339 और पंच की 1749 सीटों के लिए 5400 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 99 सरपंच और 969 पंच निर्विरोध चुने गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मतदान क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती समेत सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं। राज्य में चौथे चरण के पंचायती चुनाव में 4,72,160 मतदाता सरपंच निर्वाचन हलकों के लिए और 3,32,502 मतदाता पंच निर्वाचन हलकों के लिए अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चौथे चरण में 770 पोलिंग सेंटरों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जिनमें 571 कश्मीर घाटी में और 206 जम्मू डिवीजन में है। मतदान को सुचारू रूप से कराने के लिए राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रहना। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सुनील अरोड़ा देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। वे ओम प्रकाश रावत का स्थान लेंगे, जो शनिवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि श्री अरोड़ा की नियुक्ति की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। 15वां वित्त आयोग आज से नागालैंड के 3 दिन के दौरे पर कोहिमा जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में 11 सदस्यीय दल एकत्रित करके राज्य के लिए वितरण पर विचार विमर्श करेगा। आयोग ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों तथा जनजातीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। ये दल मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के अधिकारियों से भी मिलेगा। ये राजनीतिक दलों तथा व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा। पुणे सत्र न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले में माओवादी कार्यकर्ता, लेखक और कवि पी वरवरा राव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घर में नजरबंदी की अवधि शनिवार को समाप्त होने पर पुणे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने एल्गार परिषद मामले में हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपी कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, अर्जुन फरेरा, वर्नन गोंजाल्विस और वरवरा राव सहित सभी के नाम आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बृहस्पतिवार को भू निगरानी उपग्रह हाइसिस सहित 31 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इनमें 23 उपग्रह अमरीका के हैं। इन उपग्रहों को श्रीहरिकोटा से PSLV-C-43 रॉकेट के जरिए छोड़ा जाएगा। हाइसिस उपग्रह को इसरो ने विकसित किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के कैफे में 2016 के आतंकी हमले के मामले में 8 आतंकवादियों पर मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है। इस हमले में एक भारतीय लड़की सहित 22 लोग मारे गए थे। 1 जुलाई 2016 को ढाका के अति सुरक्षित राजनयिक क्षेत्र स्थित इस कैफे में आतंकवादियों ने हमला किया था। बाद में सुरक्षा बलों ने 6 हमलावरों को मार गिराया था और एक को गिरफ्तार कर लिया था। बहस 3 दिसम्बर को शुरू होगी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन रक्षा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत करेंगी। इस मिशन का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। एक ट्वीट में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस नई पहल के अंतर्गत मंत्रालय ने 2018-19 में बौद्धिक संपदा के 1000 आवेदन दाखिल करने का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय इस साल सितंबर तक 126 आवेदन दे चुका है और 45 आवेदन भरने की प्रक्रिया चल रही है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान गज से हुए नुकसान का जायजा लेने गए 7 सदस्यों के केंद्रीय दल ने राज्य के सर्वाधिक प्रभावित 4 डेल्टा जिलों का 3 दिन का निरीक्षण कल शाम संपन्न कर लिया। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव डेनियल रिचर्ड के नेतृत्व में अंतर विभागीय दल का आज चेन्नई में राज्य के मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। निरीक्षण दल की रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर चक्रवात से प्रभावित इलाकों के लिए राहत राशि का निर्धारण होगा। निरीक्षण दल ने पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर और नागपत्तिनम में अनेक स्थानों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बात की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल बैग के वजन और पढ़ाने के तरीकों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा है। इन निर्देशों के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। निर्देश के अनुसार छात्रों को अतिरिक्त किताबें, अतिरिक्त सामग्री और स्कूल बैग के वजन को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाने के लिए कहा जाना चाहिए। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल के बीच कल चेन्नई में वैसल सर्च तकनीक पर संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में कस्टम विभाग, तमिलनाडु पुलिस के तटीय सुरक्षा बल, राजस्व खुफिया निदेशालय और दोनों बलों के कर्मचारियों ने भाग लिया।
14वां पुरुष हॉकी विश्व कप का उद्घाटन आज शाम भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित समारोह में लगभग 1100 कलाकारों के साथ शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित तथा संगीतकार एआर रहमान अपनी प्रस्तुतियां देंगे। टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। 16 टीमों को 4 समूहों में बांटा गया है। भारत को बेल्जियम, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल सी में रखा गया है। 2 बार के मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में है और पाकिस्तान पूल डी में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल सुबह 7 बजे भारत अपने शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। विश्व कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 14वें संस्करण भुवनेश्वर में शुरू होने के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस को 33 पीसीआर वैन के अतिरिक्त और 12 वैन दिया गया है। विदेश से आए हुए टीम और दर्शकों का सुरक्षा के लिए एक नया पुलिस स्टेशन हवाई अड्डा के निकट खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों के लिए मो साइकिल योजना का उद्घाटन किए हैं। महानगर की सड़क पर साइकिल के लिए नया ट्रैक पेंटिंग किया गया है। समाचार प्रभात के लिए भुवनेश्वर से सुधांशु धड़ा। आईसीसी 2020 क्रिकेट रैंकिंग में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव पहली बार शीर्ष 5 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2020 श्रृंखला में यादव ने 4 विकेट लिए और वो कल जारी रैंकिंग में 20वें स्थान से 30वें स्थान पर पहुंच गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विशाल। मुंबई पर आतंकवादी हमले के 10 साल बाद भी दोषियों को सजा न देने पर भारत की पाकिस्तान को फटकार अधिकांश समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाए पाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में चुनावी जनसभा में पाकिस्तान पर निशाना साधने को भी समाचार पत्रों ने दिया है। हरी भूमि ने पीएम मोदी के इन शब्दों को दिया है 26/11 को भूलेंगे नहीं, हम मौके की तलाश में हैं। आतंक पर वार शीर्षक से हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुंबई के गुनहगारों पर अमरीका ने रखा इनाम, आरोपी की गिरफ्तारी या दोष सिद्धि की सूचना पर 35 करोड़ देने का ऐलान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा करतारपुर साहिब गलियारे की आधारशिला रखने को बॉक्स में देते हुए हरभूमि ने लिखा है, भारत पाक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत। संविधान दिवस पर कल आयोजित कार्यक्रम में अदालत में टलते मामलों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की टिप्पणी, राष्ट्रीय सहारा में है, तारीख पर तारीख ठीक नहीं। वहीं पंजाब केसरी ने सीजीआई की चेतावनी को दिया है कि संविधान के तहत नहीं चले तो होंगे गंभीर परिणाम। राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर और मौजूदा चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति ने नियुक्ति पर लगाई मोहर, राजस्थान पत्रिका में है। 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर मुकदमा चलाने को मंजूरी मिलने को भी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने दी अनुमति, सीबीआई ने अदालत को बताया। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ने के बावजूद स्थानीय एजेंसियों के सुस्त रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को भी अधिकतर समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, प्रदूषण पर सुप्रीम सख्ती, लापरवाह अफसरों पर क्यों नहीं चलाते केस। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के 4th चरण के लिए मतदान चल रहा है। सुनील अरोड़ा नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। बांग्लादेश में 2016 के ढाका कैफे पर आतंकी हमले के मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। भुवनेश्वर में आज शाम पुरुष हॉकी विश्व कप का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा और आईसीसी 2020 क्रिकेट रैंकिंग में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव पहली बार शीर्ष 5 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।